हेलो गाइस। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसकी मदद से आप आपका लाइनेक्स ना एक नंबर, मतलब क्या कहूँ, ऐसा हो जाएगा कि पूछो मत। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले अपना लाइनेक्स लाइनेक्स सिस्टम खोल लिया हमने, टर्मिनल खोल लिया टर्मिनल खोल लिया। चलो अच्छा, तो वेबसाइट का नाम है, ये मैंने खोल रखी है, मैं भी कर रहा था ना क्योंकि, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना देता हूँ। ओवर द वायर सिंपली आपको सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। तो देख लो मैं लाइनेक्स में ही कर रहा हूँ ये सब, लाइनेक्स ही खोल रखा है मैंने। ठीक है, तो ये देखो इसमें ना बहुत सारे गेम्स हैं जो कि आपकी लाइनेक्स की कमांड्स को लर्न करने में, और फाइल हैंडलिंग जैसे बैंडिट बैंडिट नाम का एक गेम है, येरा बैंडिट नाम का गेम है, और ऐसी मेज है, मतलब ये 3 3 6 3 9 10 गेम है ऐसे भाई। तो ये 10 गेम ना अगर आपने कर लिए तो आप ये सोच लो कि आपका लाइनेक्स चुम्मा एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको बैंडिट खोल के दिखाता हूँ। तो ये कुछ इसके बारे में बता रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब एक ये गेम है बेसिकली जो कि आपकी फाइल हैंडलिंग की स्किल्स को ना इम्प्रूव कर देगा लाइनेक्स के अंदर। मतलब आपके कमांड जो टर्मिनल होता है ना, टर्मिनल उसकी कमांड्स को ऐसा आपको रटा देगा ना कि पूछो मत। मैंने अभी तक ना, मैं 5th लेवल में आया हूँ तो आज ही मैंने करना स्टार्ट करा था, तो मैंने सोचा वीडियो बना ही देता हूँ। ठीक है, चलो फिर मैंने वीडियो बनाई दी। तो लेवल 0, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने जैसे लेवल 0 पे आए, आपने यहाँ पे ना ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। तो ये ना SSH के साथ काम करता है। ठीक है, SSH के साथ हमें इसका ये कनेक्ट करना पड़ता है इस सर्वर के साथ। पोर्ट हमारे पास ये होता है, और ये हमारा यूजर नेम होता है, और ये हमारा पासवर्ड होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये खोला है ना हमने, तो लिखता हूं मैं SSH। ये देखो मैंने लिख रखा है, ये जो Bandit 0 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये देखो ये मैंने वही यही लिखा है, और ये मैंने यूजर नेम उसके आगे ही लिख दिया है। तो बेसिकली ये लाइनेक्स में होता है, ये कमांड होती है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे यूजर नेम आ गया, तो ये -p करके हमने पोर्ट लिख दिया। ठीक है, अब सिंपली हमने एंटर दबा दिया। ओके, क्या दिखा रहा है ये, नो एड्रेस एसोसिएटेड विद होस्ट नेम। अच्छा, तो बेसिकली अभी खुला हुआ है ये, मुझे पहले ना इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं कर रहा था ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने कितना, मतलब 5 लेवल भाई, 5 लेवल मैंने बार बार क्लियर करके कराया। ठीक है, तो चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ यहाँ पे करके दिखाता हूँ। चल नहीं रहा है, वैसे ऐसे कई बार हो जाता है लेकिन अभी तो नहीं होना चाहिए था ना। हो गया, चलो चल गया। बेसिकली हमें ना पहले वाले को हटाना पड़ता है, उसके बाद हम दोबारा चला सकते हैं क्योंकि वो क्लैश करता है ना, तो फिर चलता नहीं। देखो ये हमारा चल गया है, तो ये अभी हमसे इसका पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड देखो, तो इसमें दे रखा ना एंड द पासवर्ड इज दिस, तो हमें 0th लेवल का पासवर्ड पहले से दे रखा है यार, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम ये BANDIT 0 हम यहाँ पे डाल देंगे और एंटर कर देंगे, तो अभी ये हो जाएगा। पासवर्ड डिनाइड आ रहा है यार। अच्छा सॉरी गाइस, यहाँ पे ना मैंने 5 लिख दिया है गलती से, तो उसमें ना 5 का पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, मैं एक बार एग्जिट कर देता हूँ, ये ना 3 बार पासवर्ड लेता है, उसके बाद ना एग्जिट अपने आप हो जाता है। तो SSH ये मैं 5 डाल देना, मतलब 5 मतलब 5th लेवल। ओके, ऐसा कुछ फोन नहीं है, तो हमें 0th लेवल से स्टार्ट करना है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं ये। चलो 0 से स्टार्ट कर दिया हमने, चल गया। तो अब इसका पासवर्ड है BANDIT 0। तो भाई बहुत मस्त गेम है, आपके सारी ना मतलब ऐसे स्किल्स को बाहर निकाल लाएगा ना आपके अंदर से।
आपको भी मजा सा आ जाएगा खेलने में जैसे मुझे आ रहा है। तो ठीक है, मतलब पहला लेवल हमारा क्रॉस हो चुका है। क्रॉस तो क्या मतलब, अभी हमें उसका सेकंड लेवल का ना पासवर्ड निकाल, फर्स्ट लेवल का पासवर्ड हमें इससे निकालना है। तो पासवर्ड कैसे निकालते हैं, हमने ls कमांड सीखी थी। ls करेंगे, हमारी लिस्ट आ जाएगी, रीडमी फाइल हमें हमारे पास। तो अब रीडमी फाइल को ओपन करते हैं हम, रीडमी फाइल को कैट से ओपन करेंगे हम, कैट रीडमी। तो ये जो है ना, ये हमारा फर्स्ट लेवल का पासवर्ड है जो हमने यहाँ पे अभी फाइंड करा है। तो इसको हम कर लेंगे कॉपी। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास पासवर्ड आ गया तो अभी हम सिंपली एग्जिट कर देंगे इस बारे उससे। एग्जिट हो गया। अब वही सेम SSH। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो की जगह फर्स्ट लेवल में आ गए हम, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लेवल का पासवर्ड आ गया है। सिंपली हमें पासवर्ड ढूंढना है इसमें, जैसा कि उन्होंने वेबसाइट में क्वेश्चन दे रखा है अपना। देखो अभी जीरो लेवल हो गया हमारा, जीरो से वन लेवल के लिए मतलब अभी जो करना है हमें, उसके लिए हमने पासवर्ड ढूंढ लिया है। पासवर्ड लॉग इन इंटू बैंडिट वन यूजिंग SSH, फाइंड अ पासवर्ड और लेवल। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड, ये जो हमने ढूंढा है ना, ये फर्स्ट लेवल के लिए है, और फर्स्ट लेवल के लिए हम लॉग इन करने जा रहे हैं। ठीक है, खुल जा। तो इसका पासवर्ड जो हमने ऊपर कॉपी किया था करा था ना, वही इसका पासवर्ड है। तो हम यहाँ पेस्ट सिलेक्शन कर देंगे, हुआ नहीं शायद, हो गया। अब तो चलो हो गया ये सब। अब हमें इस जो हमारे पास ये लेवल आया है ना फर्स्ट लेवल, अब हमें फर्स्ट लेवल में सेकंड लेवल का पासवर्ड सर्च करना है। तो उसके लिए इन्होंने ना बता रखा होगा, अभी हमारा जीरो से फर्स्ट आ चुका है, अब फर्स्ट से सेकंड। तो देखो लिख रखा है, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन द फाइल कॉल्ड लॉक, ये जो सिंपल डैश वाला सिंबल है ना, माइनस वाला, लोकेटेड इन द होम डायरेक्टरी। ठीक है, कमांड यू मे नीड टू सॉल्व दिस लेवल। तो हमें ये कमांड यूज करनी है लेवल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सिंपली देखना है ls लिस्ट क्या क्या है हमारे पास। देखो डैश आ गया, तो इसको ओपन करने के लिए सिंपली हम लिखते हैं cat डॉट स्लैश डैश। तो ये हमारा पासवर्ड आ गया है। ये ना कमांड है, ये आपको सर्च करनी पड़ेगी कि हमारा जो डैश सिंबल होता है उसको हमें ओपन करने के लिए क्या कमांड लिखनी होती है। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी सिलेक्शन। तो अभी हमारा फर्स्ट लेवल चल रहा था ना, ये हमारे सेकंड लेवल का पासवर्ड है। तो अब हमारा पासवर्ड आ गया, तो हम सिंपली एग्जिट कर देंगे, कोई काम ही नहीं बचा हमारा। ठीक है, एग्जिट हो गया, लॉग आउट हो गया। अब हम SSH अब आएंगे सेकंड लेवल में। ठीक है, आ गए सेकंड लेवल में, अब लॉग इन करते हैं सेकंड में। चलो अब जो पासवर्ड हमें मिला था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम, पेस्ट सेलेक्शन। नहीं हुआ यार, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, कॉपी सिलेक्शन, पेस्ट पर आनी यार, क्यों नहीं आ रहा, नहीं हो रहा ना। लिखवाओगे क्या इतना बड़ा पासवर्ड, हो गया। भाई क्या हो रहा है ये, कंट्रोल वी करके देखो। अबे यार एग्जिट कर दिया ना इसने, दोबारा से लिखना पड़ेगा SSH। हाँ तो गया, हो गया, क्या हो गया भाई, लिखवाएगा ये तो पासवर्ड को, लिख देंगे हम भी, हमारा क्या जा रहा है। N Q O X T C Y Z W U 6 L G Z I। देखते हैं भाई, हो गया। तो हमें ना इसमें अब सेकंड लेवल की हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दे रखी हैं, सेकंड
में आ गए हम, सेकंड टू थर्ड। तो द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइल इज स्टोर्ड इन कॉल स्पेसेस इन द फाइल नेम लोकेटेड इन द होम डायरेक्टरी। तो चलो देखते हैं एलएस में क्या मिलता है हमें। स्पेसेस इन द फाइल नेम, तो हमें ना बेसिकली ये फाइल खोलनी है, तो इस फाइल को खोलने के लिए cat। तो जैसे अगर बीच में मैं स्पेसेस दे रखे ना SPACES, तो हमें ना ये स्लैश यूज करना है इनके बीच में, ठीक है। इन सॉरी दिस फाइल नेम क्या हो गया, दोबारा से लिखना पड़ेगा क्या? चलिए ये वाला स्लैश यूज करके देखते हैं भाई, इनमें ना कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, तो एक बार देख लेना। चलो खुल गया भाई, खुल गया, पासवर्ड मिल गया ना हमें थर्ड लेवल के लिए। तो सिंपली कंट्रोल सी से तरह कंट्रोल सी नहीं होता, कॉपी सिलेक्शन, ठीक है, सिंपली एग्जिट कर दो। भाई ये तुम्हें आसान लग रहा है, अभी थोड़ा सा आसान है इस लेवल तक, लेवल 10 के बाद ना भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। एग्जिट कर दिया हमने, जैसे SSH, ठीक है। तो लेवल 3 में आ गए हम। चलो ठीक है, अभी हम लेवल 3 में है ना, देख हाँ लेवल 3 करते हैं भाई से, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मतलब मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।